डिंडोरी जिले के मेहनवानी जनपद पंचायत अंतर्गत वनग्राम दादर घुघरी में रूढ़ी प्रथा एवं पारंपरिक ग्राम सभा आयोजित कर आदिवासियों की समस्याओं को लेकर चर्चा किया गया। दादर घुघरी के ग्रामीणों ने महापंचायत को बताया कि जिस जमीन पर हमारा पुश्तैनी कब्जा है, शासन के द्वारा वन अधिकार का पट्टा भी दिया जा चुका है, लेकिन उक्त भूमि में लगे फसलों को पड़ोसी गांव कुकर्रा के सरपंच के द्वारा दबंगों को शराब पिलाकर गांव भर के मवेशियों को इकट्ठा कर खड़ी फसलों को चरा दिया जाता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि ग्राम पंचायत खरगवारा के पोषक ग्राम कुकर्रा के सरपंच फूलचंद तेकाम के द्वारा विरोध करने पर मारपीट करवाया जाता है। नाम क्या है माता राम? क्या समस्या है? मतलब कौन आपके साथ मारपीट किया था? खेत में आना तो कपड़े उतार के तुम बेइज्जती करबो ऐसे बोलते हैं हम। तो बेद मतलान ना कहते हैं कि नांगर फांदने नहीं तो बाप के खेत है यहाँ इसके लड़के हमारा आदमी लात मारते हैं डंडे में भी पीटते 2012 से चराते चराते कौन मारी से ओ सुमी बाई भक्कू हने और अनेक नहीं ये काम कौन करवाते हैं ओ फूल चंद सरपंच करवा रहे हैं ऐसे एक को साल नहीं दोनों साल दोनों फसल चराने के लिए हुनी खड़े हुए आपको तो पट्टा मिल गया है ना आपको पट्टा मिल गया अपना अधिकार का ग्रामीणों ने इसकी शिकायत थाने से लेकर उच्च अधिकारियों तक कर चुके हैं किंतु प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जो हमारे सहायक आयुक्त हैं जिला डिंडोरी के उनको और DFO मंडला को इसकी जानकारी भी दिए हैं और SP को भी जानकारी दिए हैं, पर आज तक इनके लिए कोई इंसाफ नहीं हुआ। इतने 2012 से ये लोग प्रताड़ित हैं, अब वन अधिकार पट्टा भी मिल गया, फिर भी क्या प्रशासन या माननीय कलेक्टर महोदय एक सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्या? अगर इतने 300 किसान हैं इस गाँव में, ये लोग प्रताड़ित हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है और विचार करने वाली भी है। और मैं तो निवेदन करूंगी कलेक्टर महोदय से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और इनको इंसाफ दिलाए दादर घुघरी के लोगों को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस।